नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। कोरोना मुक्त देश घोषित हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और नॉर्वे। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड-19 मुक्त देश घोषित किया है, यानी अब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं रह गया है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा एडन, ये तस्वीर पे देख रही हैं, इन्होंने घोषणा की है कि अब उनके देश में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। और साउथ पैसिफिक देशों में पहला राष्ट्र है जो कोरोना मुक्त हुआ है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात कर ले, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा एडन वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नया क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस सौर ऊर्जा कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी बिड प्राप्त की है, मतलब सबसे बड़ी सौर बोली जीती है। ऑप्शन दिए गए हैं टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर और एसआर पावर। तो दोस्तों हाल ही में अदानी ग्रीन पावर ने $6 बिलियन की लगभग 45,000 करोड़ की डील फाइनल की है, और ये डील हुई है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा लगभग 45,000 करोड़ की डील फाइनल की है अदानी पावर ने, और 8 गीगावाट पावर सोलर पावर प्लांट विकसित करेगा अदानी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अदानी पावर। अदानी के चेयरमैन है गौत्री गौतम अदानी, ये जो तस्वीर पे दिख रहे हैं दोस्तों। और हम बात कर लें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तहत इसकी स्थापना हुई थी, मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। SECI के वर्तमान में जो चेयरमैन है श्री प्रवीण कुमार, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो मंत्री हैं श्री राजकुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में जारी भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किस राज्य ने प्राप्त किया है। ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो दोस्तों हाल ही में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात राज्य ने, और यह सूची जारी की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा। और FSSAI क्या है दोस्तों, यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी FSSAI फसाई एक्ट 2006 के तहत वर्ष 2011 में, और हाल ही में इसके नई चेयरमैन बनाई गई हैं श्रीमती रीता तेवतिया। और ये जो सूचकांक जारी हुआ है इसमें बड़े राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ साथ पार्क और उद्यान की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये है वर्तमान में सीएम हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी है शिमला, सीएम श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त खीरगंगा, पिन वैली, सेमालबारा तथा इंदर किला जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन दिए गए हैं खेल, साहित्य, राजनीति और पत्रकारिता। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन सेठी का हाल ही में निधन हो गया है। वह वर्ष 2000 से लेकर 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे थे। वे आठ बार लोकसभा में सांसद रहे, और इनकी जो लोकसभा सीट थी उड़ीसा की भद्रक लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं
श्री अर्जुन चरण सेठी, और हाल ही में इनका निधन हो गया, इनका संबंध हुआ राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा के विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं के सिवान, रंजीत कुमार, आर के चेट्टी पंडपति, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में नासा ने केरल के एरोस्पेस उद्यमी श्री रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट पदक से सम्मानित किया है, और यह भारत की ओर से दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नासा ने अपने विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया है। पहले व्यक्ति थे श्री आर के चेट्टी पंडपति, इन्हें वर्ष 2002 में नासा ने सम्मानित किया है, और वर्ष 2020 में श्री रंजीत कुमार को। ये केरल के मूलतः केरल के निवासी हैं, और इन्होंने ISS जो नासा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्री रंजीत कुमार ने। के सिवान की बात करें तो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष संस्थान है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और के सिवान इसके चेयरमैन है। नासा की बात करें दोस्तों तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा फ्लाईवी नामक ऐप विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की। तो दोस्तों हाल ही में IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉकडाउन के दौरान, महामारी के दौरान यात्रियों को सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए फ्लाईवी नामक ऐप विकसित किया गया है। स्पष्ट का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने गोमती मरिमुथु पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं तैराकी, धावक, बॉक्सिंग और कुश्ती। तो दोस्तों हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने गोमती मरिमुथु पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, इनका संबंध है धावक है, ये धावक है। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप 2020 में 800 मीटर इवेंट में गोल्ड जीता था, और उन्हें AIU ने डोपिंग में दोषी पाया है जिसके कारण यह गोल्ड उनसे छीन लिया गया है। AIU की बात करें, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी की बात करें, तो यह एथलेटिक्स खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है IAAF इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा एक डोपिंग से निपटने के लिए एजेंसी बनाई गई है AIU। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2017 में, और IAAF की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई वर्ष 1912 में, और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को, और गोमती मरिमुथु का संबंध है धावक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन दिए गए हैं महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के, वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध कराने के लिए महिंद्रा फाइनेंस से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा अनन्या नामक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, बार्क, DRDO और DIAT। दोस्तों हाल ही में DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्थित है पुणे में, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक संस्थान है, और इसके द्वारा अनन्या नामक कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है, और यह है कहाँ पे दोस्तों, पुणे में, ये उसका कैंपस है। और ये जो 4 संस्थान दिए गए हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1969 में, के सिवान वर्तमान में चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन दोस्तों बार्क, भारत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में, AK मोहंती वर्तमान में इसके चेयरमैन है। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई वर्ष 1958 में, जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।